दहेज मुक्त बिहार को लेकर के इस बार मानव श्रृंखला बनाई गई है, जो कि विश्व के सबसे बड़े इतिहास में अंकित की जाएगी और ये स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज की जाएगी। लेकिन हमारे ठीक सामने कुछ बच्चियां हैं जो आप देख सकते हैं, जो कि राष्ट्रीय सरकारी विद्यालय से ये हैं बच्चियां, और इनके पास इनके साथ में एक तख्ती लगती हुई है जिस पे बाल विवाह एवं दहेज मुक्त बिहार हमारा का नारा लगा हुआ है। हम इनसे ठीक साथ में इनके जुड़ेंगे और इनसे मिलेंगे, इनसे बात करेंगे, क्योंकि ये जिस तरीके से इनका स्लोगन है और इन्होंने लगाया है, ये लोग कहाँ से हैं और कैसे हैं, हम इनसे सीधे जुड़ेंगे और इनसे बात करेंगे। आप एक बार देख सकते हैं, एक बार फिर से बाल विवाह और दहेज मुक्त बिहार हमारा इन बच्चियों का सपना है, और ये कहाँ से हैं, हम इनसे ठीक जाके आप पूछेंगे। कहाँ से हैं आप लोग? खजांची रोड से। ये जो नारा दिया है आप लोगों ने खुद बनाया है? आप कौन से स्कूल से? तो ये बच्चियाँ हैं और इनके ऊपर देख सकते हैं बाल विवाह एवं दहेज मुक्त बिहार का इन लोगों ने सपना देखा है, और ये उसको लेकर के कैसा लग रहा है आपको इस इतिहास में आकर के? क्या आपने सोचा था कि ऐसा कभी होगा बिहार में? सोचा था? आपको पता है आज तक के इतिहास में किसी भी देश ने इतनी बड़ी मानव श्रृंखला नहीं बनाई है, पता था? आपको कैसा लग रहा है इतने बड़े इतिहास में? गर्व की बात है किसके, आपके लिए? तो इनका कहना है कि इनके लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि जिस विश्व ने अब तक ऐसा नहीं किया वो आज बिहार कर रहा है। क्या आपको पता था पहले से? कैसा लग रहा आपको इस स्वर्णिम अक्षरों से अंकित इस इतिहास में आप अपने आप को देख रही हैं, कैसा बिहार चाहती हैं आगे? ये जो स्लोगन आप लोगों ने बनाया है, क्या सोचा था आप लोग? बच्चों के साथ साथ स्कूल की शिक्षिका भी हम उनसे जुड़ेंगे। ये जो आप देख रही है नया बिहार, कैसा लग रहा है आपको? हम चाहते हैं कि बिल्कुल ये जो आपके विद्यालय की जो बच्चियां हैं जो नारे लेकर के आई है, इस नारे को लेकर के हालांकि जल जीवन हरियाली से भी सीएम ने जोड़ने की बात की है, लेकिन आप इसको ज़्यादा मानती हैं? आप इस मतलब जो बाल विवाह और दहेज मुक्त बिहार हो, ये सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन जल जीवन हरियाली को भी क्या आप महत्व देती हैं? सवाल जो हमेशा दौड़ रहा था कि लोगों को जबरदस्ती इस लाइन में लगाया गया, क्या आपको भी जबरदस्ती लाया गया है? आप आगे के भविष्य बिहार को कैसा देख रही हैं? बहुत अच्छी लग रही है, धीरे धीरे देख रहे हैं कि ये बहुत परिवार आ रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो कुछ समय और बचे हुए हैं, जो कि मानव श्रृंखला का जो समय है 11:30 से लेकर के 12 बजे के बीच, और बिहार स्वर्णिम अक्षरों में अपना इतिहास गढ़ रहा है, और इस तरीके का अब तक पूरे विश्व में इतनी बड़ी मानव श्रृंखला नहीं बनी थी, और उस मानव श्रृंखला के इस इतिहास को रचने में स्कूल की कुछ बच्चियां भी हैं, इसके अलावा शिक्षक और शिक्षिकाएं भी हैं, और जो आपने कुछ देर पहले तख्ती देखी कि सुंदर बिहार की ये बच्चियां कल्पना करती हैं, आप कैसे देख रही हैं इस बिहार को, नए बिहार को? ये जो आपके साथ जो तख्ती लटकी हुई है, आप ये बिहार जो हो वो मुक्त हो, दहेज मुक्त हो, बाल विवाह मुक्त हो, जल जीवन को आप कैसे देख रही हैं? ये बताओ, कभी आपने सोचा था कि बिहार इस तरीके का स्वर्णिम अक्षर वाला इतिहास रचेगा?
आपको पता है विश्व में अब तक ऐसी श्रृंखला नहीं बनी है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ खड़ा होकर? 12 बजने में कुछ वक्त शेष और बचे हैं, ऐसा मंच से संचालन हो रहा है। लेकिन बिहार जो है वो सीधे आ रहा है आपके सामने। कुछ हम यहाँ पे शिक्षिका हम उनसे जुड़ेंगे, आपसे हम जुड़ेंगे। क्या आपको लग रहा है कि इतने बड़े इतिहास के आप सहभागी हैं और आपके बच्चे आपके साथ हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, आपसे एक अहम सवाल पूछेंगे। सवाल उठ रहा था कि लोगों को जबरदस्ती इसमें लाइन में लगाया जा रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, तो जिस तरीके से देख रहे हैं सभी लोग उसके साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। सभी लोगों का बस एक ही नारा है कि इतने बड़े इतिहास में, इतने बड़े जो स्वर्णिम अक्षरों में ये युग में लिखा जाएगा बिहार। अच्छा, आपके हाथ में, आप दोनों के हाथ में तख्ती है, क्या आपको लग रहा है कि इस तरीके की कभी कल्पना की थी आपने बिहार से? बिल्कुल, क्या आपको पता है कि पूरे विश्व में अब तक ऐसी कल्पना या ऐसा इतिहास रचने के लिए इतनी बड़ी, जितने लोग मतलब एक साथ में हाथ जोड़कर खड़े हैं, इतनी बड़ी श्रृंखला किसी भी देश ने नहीं बनाई है? तो आपको कैसा लग रहा है बिहार ऐसे कर रहा है? तो कैसा लग रहा है इतिहास में खड़े? बिल्कुल, तो जिस तरीके से अगर जो 12 बजे का समय था वो लगभग खत्म हुआ और इतिहास जो बिहार ने रचा है ये स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि अब तक इस तरीके की तस्वीरें आपने किसी भी देश में नहीं देखी होगी। आप शिक्षक हैं, आपसे एक सवाल पूछूंगा मैं। जिस तरीके से बिहार ने स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास रचा है, क्या अब तक आपने ऐसी कल्पना की थी? अभी तक तो ऐसी कल्पना नहीं की थी। आपको पता है पूरे विश्व में इतनी बड़ी इस तरीके की संरचना नहीं बनी है, आप इसमें हैं, आपको कैसा लग रहा है? आपसे मैं पूछूंगा, ये जो बिहार है इसको आप कैसे देखती है आगे, क्योंकि नीतीश कुमार जल को, हरियाली को जीवन से जोड़ रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा बिहार होगा आगे आने वाला? बहुत ही अच्छा बिहार आने वाला आगे, बिहार साफ सुथरा हमारा होना का, पर्यावरण बहुत अच्छा होगा, पेड़ पौधे लगाने चाहिए और नशा मुक्ति को मतलब बंद करना चाहिए, आप इतने बड़े दिन में आज, क्योंकि ये इतिहास है और विश्व रिकॉर्ड बना दिया भारत बिहार एक बार फिर से, तो आप इसमें शामिल, आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है कि इस ऐतिहासिक में आए हैं। तो यहाँ लोगों के लिए तो है ही, लेकिन ये जो बच्चियाँ आई हैं, स्कूल की बच्चियाँ हैं, इनके लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि बिहार जो है वो इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिख चुका है एक बार फिर से। तीसरी बार अपने ही रिकॉर्ड को बिहार ने तोड़ा है और तीसरी बार ये विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, 16,000 से भी अधिक लंबाई की ये मानव श्रृंखला, जो कि अब तक किसी भी देश ने इतनी बड़ी श्रृंखला नहीं बनाई थी, उसको आज बिहार ने बना करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तैयार कर दिया है और सबसे बड़ी मानव श्रृंखला के साथ एक नया इतिहास बिहार ने रचा है। और अभी गांधी मैदान में है और गांधी मैदान की तस्वीरें हैं जहाँ पे बिहार की संरचना इस गांधी मैदान में बनाई गई है। तो आप भी इस तरीके की और भी तमाम खबरों से बने रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमारे नोटिफिकेशन बटन को दबाएं और हमसे जुड़े रहें। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।